मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है इंशा नगर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आसपास एक 8-10 बिल्डिंग है और इन जो रहवासी यहाँ के उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस एरिया में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कचरों का अंबार है। हर गली गली में यहाँ पे कचरा है और इस कचरे की वजह से जो लोग जो बीमार पड़े हैं, यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अंदर जो TMC है, जो अंदर कचरा सफाई नहीं करती है, जिसकी वजह से जो बच्चे बूढ़े जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बीमार पड़ी, उसको लेकर आज हम यहाँ है। और वहीं पे जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी यासीन मोमिन वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके की परेशानी यहाँ पर। अब हम आपको बताएंगे, हम साथ चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कचरों का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 8-8, 10-10 साल हो गया है यहाँ पे कचरे की सफाई नहीं हुई है। और आपको ये हाल है दोनों बिल्डिंगों के बीच में, यहाँ पे किस तरीके से कचरा है, अंदर कोई सफाई नहीं हो पाती। अब हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये इमारतें हैं जो काफ़ी ख़राब हो रही है। यहाँ पे जो चूहे इस इमारतों के नीचे जो कचरा होने की वजह से चूहे भी यहाँ पे इस बिल्डिंग को खोखला कर रहे हैं। ये बहुत सारी एक अहम परेशानी है, इसके ऊपर TMC जो संज्ञान लेना चाहिए और जो परेशानी है जो आवाम की, क्योंकि यहाँ पे वोटर्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए जाते हैं कि हम इस शहर को सुधार देंगे, इस इलाके को सुधार देंगे, लेकिन आज उन्होंने यहाँ के जो रहवासियों ने बताया कि कोई भी यहाँ पे आता नहीं। अगर आते भी है सफाई करने तो बाहर आते, अंदर नहीं आते। लोग अपने खुद का पैसा 200-200, 300-300 रुपया निकाल के यहाँ पे सफाई करती है। इसी ताल्लुक से हम बात करते हैं यहाँ के जो रहवासी, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। वहीं पे जो समाज सेवक और कांग्रेस के पदाधिकारी है यासीन मोमिन से जानते हैं कि उनका इसको लेकर क्या कहना है और आगे वो किस तरीके से पत्र व्यवहार करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। ये दस्तगीर बिल्डिंग है, ईशा नगर है और इधर आफ्ताब बिल्डिंग है, वहाँ से लेकर यहाँ तक के सब पूरा कचरा ही कचरा है भाई। और यहाँ म्युनिसिपैलिटी आती नहीं है, बोल बोल के थक है, म्युनिसिपैलिटी आती नहीं, सफाई नहीं। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे आदमी बीमार पड़ रहे हैं, सब परेशानियाँ हम लोग को होती है। पूरा कचरा है, ढीक लगा हुआ है, हर जगह से आके यहीं फेंक देते हैं पूरा कचरा। हम लोग सब परेशान है। हाँ, कचरा तो उठाया जाता, उधर से उठाया जाता, टाइटैनिक तक आते भाई, उसके बाद इधर नहीं आते, इधर नहीं आती है, उधर तक आती है, इधर तक नहीं आती है म्युनिसिपैलिटी। हम लोग बोल बोल के कितनी बार थक गए, अभी यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं है, तो क्या बोले। हम लोग गरीब भी परेशान है ये सब बातों से। शिकायत की थी जफर नुमानी साहब से हम लोगों ने, एक दो बार आए, वो हाँ करा देते हैं साहब, बस वो गटर का साफ करवा देते हैं, जफर नुमानी साहब आते हैं तो। इधर का कचरा इधर, ये देखिए ना, आप खुद देख रहे हैं हालत, देखिए रोड की कितना गंदा है। यहाँ हम लोग गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ हम लोग के वहाँ बीमारियाँ चल रही है, हम लोग परेशानी में फंसे हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रही, सबको तकलीफ है लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं आता है भाई। ये तो कितने सालों से नहीं उठाया गया है भाई, सालों का साल नहीं उठाया गया है, सालों के साल से ये कचरे सब जमा हो रहे हैं। पूरा साफ अगर करना होता है तो हम लोग थोड़े पैसे दे के गटर साफ करवा देते हैं, नाला साफ करवा देते हैं, पब्लिक से पैसा निकाल के हम लोग साफ करते हैं। अभी इधर का नाला भी हम लोगों ने गटर पब्लिक से निकाल के पैसा साफ करवाया, क्या करेंगे भाई। हम लोग को तकलीफ हो रही है, अभी कोई को तो तकलीफ नहीं, हम लोग रहते हैं हम लोग को ही ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत परेशान हो गए जरा इधर कचरे के लिए बहुत ज़्यादा। कहीं पाइप फूटे है तो पब्लिक वो भी नहीं बनाती, बोलती है कह रहे ये तो कितनी गंदगी है क्या बनाने का, बोल के पब्लिक भी नहीं। यही बोले थे कि हाँ पूरा साफ सफाई करेंगे, आप लोग की सेवा करेंगे, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वही है बस, वो साल भर में एक बार आ जाता है, दोबारा कोई नहीं आता भाई। यहाँ साल में एक मरतबा जब पब्लिक जाती है बोलते हैं तो आके करवा देते हैं, फिर वैसे ही रहता है भाई। बहुत परेशान है, गरीब लोग की मारा मारी हो रही है, बीमार होते हैं हॉस्पिटल पहुँचो। हाँ बाहर से भी आते हैं कचरे लाला के, यहाँ कचरे देखते हैं तो बाहर वाले लाके, उधर वाले सब इधर ही लाके फेंक देते हैं भाई, रोकते हैं भाई फिर भी फेंक के चले जाते हैं भाई। ये 6 महीने करीबन हो गए, मैंने पर्सनली TMC को 2 बार लेटर दिया है,
और दो बार लेटर देकर मैंने सोशली भी फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर तरफ गली मोहल्लों के फ़ोटो वगैरह भी डाला हुआ है। अब ये हाल है ना भाई, ये आज का नहीं है, 5 साल से आप देखोगे ना, ये ऊपर वो मिठाई का डब्बा होता है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ, अच्छा रैपर वैपर लगा के पिना दो, आप बाहर देखो बहुत साफ़ सुथरा दिखेगा आपको मोहल्ला, और जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे ना गंदगी बढ़ती जाएगी। या पुरसे हाल कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इन लोगों को। अभी ये आपा लोग जो है, मेरी माँ बहने हैं, ये मेरे उसमें से कुछ मेरे साथी भी है, आप देखोगे हुसैन भाई, आपने मैंने आपको कम से कम यहाँ पे 6-7 बिल्डिंग बताया, और 6-7 बिल्डिंग में लगभग 5,000 के ऊपर लोग रहते हैं, या उससे ज़्यादा हो सकता है, एक एक बिल्डिंग 8-8, 9-9 माले की है भाई। और मेरे को लगभग, मैं तो बोलूँ क्या, 5,000 नहीं 10,000 भी हो सकते हैं ये पूरे वार्ड में लोग। तो अब 10,000 लोगों में आप देखोगे ये कि यहाँ पे टीवी के मरीज सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, सबसे ज़्यादा मुमरा में अगर आप चेक करोगे तो टीवी के मरीज़ यही है। उसकी वजह एक ही है, गंदगी। हमारे लोगों को भी समझना चाहिए, देखो गंदगी कहीं ऊपर से नहीं आती, हमारे लोग फेंकते तो ही पैदा होती। मैं इन लोगों को भी यही समझाते आया और समझा रहा हूँ। हम लोग ने तो अवेयरनेस ड्राइव भी चलाए कि भाई सफाई आधा ईमान है, आप ऐसा करो आप ऐसा मत करो, मेरे कई FB पे आप वीडियो भी इस बारे में देख लोगे। लेकिन मेरा बोलने का बस एक ही मकसद है कि जिसने 5 साल के लिए ये मोहल्ले ये इलाके की रहनुमाई की जिम्मेदारी लिया, वो 5 साल से किधर था। आज आप बोलोगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आज TMC का टर्म ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हुआ है, 5 साल आपने किया क्या। आप बोलोगे मैंने साफ सफाई करवाया, आप बताओ किधर करवाए। यहाँ के लोग बोल रहे TMC के लोग आते ही नहीं अंदर, ये 200-400 निकाल के जब इनको ही गली मोहल्ला साफ करना है तो ये टैक्स क्यों भरेंगे, टैक्स किस लिए दे रहे, ये वाटर टैक्स किस लिए दे रहे। इनको इनको वो सहूलतें मिल ही नहीं रही है, ये बुनियादी सहूलत है भाई, हम भी इंडिया में ही रहते हैं ना। मैंने TMC को फोटो दिया है, मैंने TMC को लेटर दिया है, मैंने इंस्टा पे डाला है, मैंने FB पे डाला है, मैंने ट्विटर पे कमिश्नर को तक के टैग करके रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये लोग तो खुद ही बेचारे नगर सेवक के पास जा जा के थक गए। नगर सेवक आता है, आपा कल करा देता हूँ, परसों करा देता हूँ, 4 दिन में करा देता हूँ, वो बस वो सब तसल्ली का खेल है भाई, रिजल्ट कुछ नहीं है इधर, सिर्फ तसल्ली है, तसल्ली है। आने वाला भी इलेक्शन है, फिर 5 साल के लिए लोग वोट देंगे, फिर वही हाल होएगा, क्या कहेंगे इसको। नहीं भाई, इंशाल्लाह ताला इस बार तो ऐसा होगा भी नहीं। देखो कैसा है, हम लोग है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम ऐसी है ना, जब मोहब्बत करती ना तो दिल में बिठा के रखती, लेकिन हमारी कौम ऐसी भी है कि दिमाग में ले ली ना तो उसको उतारने को टाइम भी नहीं लगता, समझे भाई। आसिफ भाई, कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, वोट लेने के लिए तो कोई भी बड़े बड़े वादे करते, आप भी वादे करोगे लेकिन आपका भी वही हाल होगा तो क्या करोगे। भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं राजनीति में हूँ लेकिन पावर में नहीं हूँ, और पावर में ना रहने के बावजूद मैं इन लोगों के यहाँ आता हूँ, इन लोगों के हालचाल जानता हूँ, कंप्लेंट कर सकता हूँ मैं कंप्लेंट करता हूँ। भाई जितना सिटिंग कॉरपोरेटर इधर नहीं आता उससे ज़्यादा तो मैं आता हूँ, तो अभी इसके आगे मैं और क्या कर सकता हूँ आप बताइए। अब एक गली का अगर मामला है तो मैं 10-20 हज़ार खर्चा करके एक गली को क्लियर भी करवा दूंगा भाई, लेकिन यहाँ पे मेरे भी 2 नंबर के बिजनेस नहीं चल रहे ना कि 5-10 लाख खर्चा करके पूरा मोहल्ला साफ करवा दूँ। ये काम म्यूनसिपालिटी का है, वोट दिए क्यों। अब अगर ये साफ सफाई यहाँ पे इस एरिया में नहीं होती तो इसके लिए आप अगला कदम क्या होगा। मैं कल इंशाल्लाह ताला सुबह मेरे जितने खत दिए हुए हैं TMC को, उसको अटैच करके मैं एक नया फोटो सेशन करके TMC को देने वाला हूँ, और उसमें खुला लिखा जाएगा कि अगर आपने आने वाले 15 दिन में ये मोहल्ले को साफ नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये पूरा मोहल्ला TMC गेट पे जाके बैठेगा, ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। नहीं, कचरे वाले म्यूनसिपालिटी का आना बहुत ज़रूरी भाई, क्योंकि इससे बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पर, कि जो बीमारियों के लिए हम लोग भी जो खड़े इसी चीज़ों के लिए कि सबके घर में बीमारी लग रही है, फेंकने वाले कचरा फेंकने पर म्यूनसिपालिटी भी अपनी तादाद से आके काम करके अगर ये कचरा उठाए तो ये कचरा नब्बे से नहीं रहेगा ना, इसी के लिए हम भी खड़े हैं भाई ये चीज़ों के लिए। इतना साल हो गया, इसके बाद आज ही आप लोग। नहीं, हम लोग तो सब बिल्डिंग वाले पैसे निकालते फिर ये कचरे वालों को उठाते और वही हम लोग ही बुलाते, पर ये नहीं, और भी तादादों से बिल्डिंगों से जो कचरा आता है वो खाड़ियों में ही जाता है, जो पीछे जाता है वो बीमारी से तो हमारी बिल्डिंगों को नुकसान है ना।
इसको लेकर क्या करेंगे प्रशासन से? क्या तो प्रशासन साहब यही बोले कि इसको सफाई के लिए लगवाइए आप, तो ये बीमारी भी दूर हो जाए। और जो हमारे जो एरिया ये जो दिखे जो इसमें तो कोई देखने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बुलाओ तो आते नहीं, आती ही नहीं, आती ही नहीं। हम वहाँ से बुला के लाते हैं कि भाई आगे का देखो, आगे का कोई चलो, कोई आने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं चले, हम भी तो रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, जो बीमारी को भी अवॉर्ड नहीं कर पा रहे, उनका क्या करेंगे? इधर उधर बच्चे मेरे बीमार हो गए, मेरी लड़की बीमार हो गई है, मेरे आदमी बीमार हो गए। हम लोग ने बहुत पैसा डालते, लेकिन उधर हमारे घर के पीछे का 9 साल हो गए, कभी कचरा साफ ही नहीं हुआ। जब से घर लिए उसके बाद से उधर पीछे का कचरा नहीं। कितनी बार मैं बोल चुकी, सब देख के जाते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। हाँ, सोसाइटी के लिए नहीं, TMC में कोई नहीं। इधर आते बोलते, म्यूनसिपालिटी बोलती ठीक है, हम लोग करके जाते। अभी हाल ही में मैं बोली थी, बताई थी, तो बोले कि हम लोग आएंगे रमज़ान के बाद कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोली थी अभी मैं फिर आगे कुछ एक्शन लूँगी, तो बोले कि ठीक है ले लो आप, मेरे को तकलीफ है करके। ये नीचे ग्राउंड में ही रहती, ग्राउंड में ही रहती हूँ। मेरी बच्ची को भी TV लग गई थी, मेरे शौहर भी अभी बीमार हो गए थे, उसके ऊपर भी 2-3 बच्चों को TV की बीमारी हो गई है, उस वजह से हमने वो करे थे। मैंने कचरे को, जैसे बेटी भी बीमार है और 1 साल से, और बेटा भी बीमार है। कितने साल से रह रहे आप हो गया? 12-13 साल हो गया। 12-13 साल में कितनी बार यहाँ पे सफाई हुई? इधर दो पब्लिक वही मिल, वही हम लोग पैसा खुद दे के सफा, खुद साफ कराए। हाँ, खुद साफ कराए, मतलब जो मिलता है 400-500 जो आता है नीचे से, ऊपर 5 माले से करवाते हैं। और वोट आपने दिया था तो उस वक्त यहाँ पे जो नगर सेवक आए थे कि हमको जिताओ, हम काम करेंगे, वही बात बोले थे कि करूँगा सेवा पब्लिक कहीं है, लेकिन अभी सेवा का कुछ भी नहीं है। सेवा पब्लिक जाती है साल में, और जाते हैं तो वही करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पैसा जो 100-200 आता है वो निकाल के देते ही हैं। और आधी साफ पी के वो लोग छोड़ के चले गए, इसमें आधा साफ वो जो पैसे जमा करके जिन लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों के जो नगर सेवक के लोग थे, समझे आपने, वो खड़े भी हुए थे नगर सेवक साहब ही कॉर्नर पे आके, समझे आपने, और आधा साफ किया वहाँ तक, और वहाँ तक साफ करके गायब हो गए। यहाँ पे काम करने वाला कोई शख्स आपको मिलेगा नहीं। झूठे वादों की ज़िंदगी, झूठे वालों का जीवन और झूठे वाले का रहन सहन सिर्फ ऐसा है और कुछ नहीं है। या बच्चे गटर में खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बुराई कर रहे हैं ना, हम ही पोटला फेंक देंगे यहाँ से। ये देखिए साफ करने वाली देखो, और उधर देखो। जब तक दिल से काम नहीं होगा ना साहब, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना मैं कर पाऊंगा ना कुछ कर पाओगे। दिल और ईमान दोनों सफाई के साथ आता है। अगर सफाई नहीं है तुम्हारे घर में तो क्या फायदा करने से।